मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई करत अब हमनी के अनलॉक टू चरण में प्रवेश करे जात बानी और ऐसा मौसम में प्रवेश करे जात बानी जा जवना में सर्दी जुकाम खोखी बुखार और जाने का होखेला और ये सब के मामला बढ़ जाला। यह घड़ी में हम रउआ सब देशवासी लोग से प्रार्थना करत बानी कि ऐसा बेरा में आपन ध्यान राखी। साथी सब है, ये बात सही बा कि अगर कोरोना से मरे वाला के प्रतिशत देखी तो दुनिया के कई एक देशन के तुलना में भारत में स्थिति अभी संभरल बा। समय पर उठावल गई लॉकडाउन और दूसर फैसला सबसे भारत में लाखों लोगन के जीवन बचावल गई बा। लेकिन हमने के इहो देखत बानी कि जब से देश में अनलॉक वन भइल बा व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बढ़ते जाता। पहले हमने के मास्क, दू गज के दूरी, 20 सेकेंड तक दिन में कई बेर हाथ धोए के लेके बहुते सावधान रही जा। बाकी समाज और जब हमनी के ज्यादा सतर्कता बरते के दरकार बा तो लापरवाही के बढ़ा चिंता के बात बा। साथी सब है, लॉकडाउन के बेर में नियम सब की गंभीरता से पालन कई गई। अब सब सरकार स्थानीय निकाय के संस्था सबके देश के नागरिक लोग के केंद्र घोषित सतर्कता दिखावे के दरकार बा। विशेष तौर पर कंटेनमेंट क्षेत्र में बड़ा ध्यान देवे के पड़ी। जवन लोग नियम के पालन नहीं करत हमनी के उनका के रोके के हुई और समझावे के पड़ी। अब ही अखबार में रुआ देखले होखा एगो देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपया के डांड केवल यही खातिर लाग गई कि उस सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क पहन के गई रहम। भारत में भी स्थानीय प्रशासन के यही चुस्ती से काम करे के चाहिए। 130 करोड़ देशवासी लोगन के जीवन के रक्षा के अभियान बा। भारत में गांव के मुखिया होखे चाहे देश के प्रधानमंत्री केहू नियम से ऊपर नहीं खे। साथी सभे, लॉकडाउन के बेट देश के सर्वोच्च प्राथमिकता ई रहे कि ऐसन स्थिति मत आवे कि कोनो गरीब के घर में चूल्हा ना जले। चाहे केंद्र सरकार होखे, राज्य सरकार होखे, सिविल सोसाइटी के लोग होखस
सब लोग भरपूर प्रयास कर कि इतना बड़ देश में हमार कोनो गरीब भाई बहन के उपासे ना सुते के पड़े, देश होखे भाव व्यक्ति समय पर फैसला लेवे से, संवेदनशीलता से फैसला लेला से कोनो संकट से लड़े के ताकत बढ़ जाला। यही से लॉकडाउन चालू होते सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेके आई। यह योजना में गरीब लोग खातिर 2,00,000 करोड़ रुपया के पैकेज दिहल गई। साथी सभे, पिछला 3 महीना में 20 करोड़ गरीब परिवारन के जनधन खाता में 31,000 करोड़ रुपया जमा करवावल गई बा। यह दौरान 9 करोड़ से अधिका किसानन के बैंक खाता में 18,000 करोड़ रुपया से अधिक भेजल गई बा। एकरा साथे साथ गांव में मजूरन के रोजगार देवे के खातिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानों तेजी से चलावल जात बा। यह सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करत दिया। बाकी साथी सभे, ईगो और बड़का बात बा। ई बड़का बात दुनिया के हैरान कइले बा। उ ई बात बा कि कोरोना से लड़ाई लड़त भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगन के 3 महीना के राशन, मतलब हर परिवार के हर बेकत के 5 किलो गेहूं भा चाउर मुफ्त में दिहल गई। एकरा अलावा हर परिवार हर महीना 1 किलो दालो मुफ्त में पौलस। माने एक तरह से देखी तो अमेरिका की कुल आबादी से 2.5 गुना से अधिका, ब्रिटेन के आबादी से 12 गुना अधिका और यूरोपीय संघ के आबादी से लगभग 2 गुना से ज्यादा लोगन के हमार सरकार मुफ्त में अनाज देलक। साथी सभे, एकरे से जुड़ल एगो और महत्वपूर्ण घोषणा करे जात बानी। साथी सभे, हमने के यहाँ बरखा के मौसम में और ओकरा बाद मुख्य रूप से खेती बाड़ी के ज्यादा काम होखेला, ऐसना बेर में और अन्य क्षेत्र में काम तनी कम होखेला। फिर जुलाई से धीरे धीरे पर्व त्योहार के माहौल बने लगेला। आगे देखें, 5 जुलाई के गुरु पूर्णिमा बा, फिर सावन शुरू होखी, फिर 15 अगस्त आई, ओकरा बाद राखी, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, गणेश चतुर्थी आई, ओनम होखी और आगे देखी तो बिहू बा, नवरात्र बा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और फिर छठ मैया के पूजा। पर्व त्योहार के बेर में जरूरत बढ़ जाला। यह सब चीजन के ध्यान में रख के ई फैसला लिहल गईल बा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अवधि अब
दिवाली या छठ पूजा तक, मतलब यह योजना के विस्तार नवंबर के अंत तक कर दिहल जाई। माने अस्सी करोड़ लोगन के मुफ्त में अनाज देबे के ई योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबरों में लागू रही। सरकार के ओर से यह 5 महीना में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहन सबके हर महीना परिवार के हर सदस्य के 5 किलो गेहूं आ भाचाउर मुफ्त में दिहल गई। अतने ना हर परिवार के हर महीना में 1 किलो चना भी मुफ्ते दिहल जाई। साथी सभे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बढ़ावे से 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा होगी। अगर एह में पिछला 3 महीना के खर्चो जोड़ दिहल जाओ तो ई लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाई। पूरा देश खातिर हमने की एगो सपना देखले बानी। कई गो राज्य में बहुत ही अच्छा कामों कैले बाड़े। बाकी सब राज्य से भी अनुरोध बा कि एह काम के आगे बढ़ाई जा। काम का बा, एक ही राशन कार्ड के व्यवस्था कैल जात बा। मतलब एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक सबसे बड़ फायदा वो गरीब साथी लोग के मिली जे काम काज खाती भा दोसर जरूरत खाती अपन गांव छोड़ के कतहीं और जाला लो, कोनो दोसर राज्य में जाला लो। साथी सब है, आज जब गरीब के जरूरतमंद के सरकार अगर मुफ्त में अनाज देबे में सक्षम बिया तो एकर श्रेय 2 वर्ग के बा। पहला, हमनी के देश के मेहनती किसान, हमनी के अन्नदाता, और दूसरा हमनी के देश के ईमानदार टैक्स भा कर चुकावे वाला लोग। ई रउआ सब के मेहनत, रउआ सब के समर्पण है जेकरा चलते देश ई मदद करे में सक्षम बा। और देश के अन्न भंडार के रउआ भरले बानी, यही से आज गरीब के मजदूर के घर के चूल्हा जरत बा। रउआ सब है ईमानदारी से टैक्स भरले बानी, अपन दायित्व पूरा कैले बानी, यही से आज देश के गरीब इतना बड़का संकट से मुकाबला करे में सक्षम बा। हम आज हर गरीब के जोड़े, देश के हर किसान, हर कर चुकावे वाला के हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करत बानी, उनका के प्रणाम करत बानी। आवे वाला समय में हम अपन प्रयास और ही तेज करब। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित सबके मजबूत करे खातिर लगातार काम करब। हमने के सब सावधानी बरतत, आर्थिक गतिविधि के और आगे बढ़ाई जा। हमने के आत्मनिर्भर भारत खातिर दिन रात एक कर। हमने के सब लोग लोकल खातिर वोकल होखा, यही संकल्प के संगे
हमने के 130 करोड़ देशवासियन के मिलजुल के संकल्प के साथ ही काम करे के बाद आगहूं बढ़े के बाद फिर से एक बेर हम रउआ सबसे विनती करत बानी, रउआ खातिर प्रार्थना करत बानी, रउआ से निहोरा करत बानी, रउआ सब स्वस्थ रही, दू गज दूरी के पालन करत रही, फेस कवर मास्क के हरमेश उपयोग करी, कोनो तरह के लापरवाही मत बरती, यही निहोरा यही कामना के संगे रउआ सबके बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।